अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे कैरेमल सेवई, क्विक इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, और साथ में इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 काजू, बादाम, पिस्ता और 1 टेबलस्पून किशमिश। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और इसमें आप डाल देंगे आधा कप क्रश की हुई सेवई। मीडियम फ्लेम पर हम सेवई को भी अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। सेवई थोड़ी सी क्रिस्पी और गोल्डन कलर की हो जाएंगी, तब तक हम इसे भूनेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट इसमें पसंद है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेवैयाँ हमारी अच्छे से भून गई है। इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। और इसमें डाल देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर कैरेमल बना के तैयार करेंगे। एक पैन में मैंने 1/4 कप शुगर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने फाइन शुगर का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। शुगर इसमें अच्छे से मेल्ट हो रही है। शुगर को हम अच्छे से पहले मेल्ट हो जाने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, तब इसमें हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। यहाँ पर अच्छे से हमारा कैरेमल बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पहले आप इसे कवर कर दें और उसके बाद इसमें पानी डालें। पानी डालने से कैरेमल ज़्यादा जलेगा नहीं और डार्क भी नहीं होगा। खाने में भी ये कड़वा नहीं लगेगा। कैरेमल को हम सेवई के अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। कैरेमल सेवई हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। कैरेमल सेवई हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले नए नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।